तेलंगाना के महबूब नगर में पुलिस ने आज एक एनकाउंटर के दौरान गैंगस्टर नईम को मार गिराया। पुलिस को जानकारी मिली कि शादनगर में मिलेनियम टाउनशिप इलाके के एक घर में वांटेड गैंगस्टर नईम छिपा है। पुलिस मौके पर पहुंची, इलाके को घेर लिया। इसके बाद वे एनकाउंटर में पुलिस को नईम को मार गिराने में कामयाबी मिली। मुठभेड़ में एक और संदिग्ध के मारे जाने की खबर है। नईम इससे पहले कई नक्सली गतिविधियों में शामिल रहा था। नालगोंडा जिले के रहने वाले नईम ने बाद में एक गैंग बना ली थी। ड्राइवर हु वाज ड्राइविंग द एंडेवर स्टॉप द कार स्टार्टेड ओपनिंग फायर एंड ही रैन अवे and the person who was sitting in the car came out and he also started opening fire on the police team. We came to know that the person fell down and on search it was confirmed that he died. गैंगस्टर नईम की आंध्र और तेलंगाना पुलिस को काफी समय से तलाश थी। नईम के खिलाफ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 100 से ज्यादा आपराधिक केस दर्ज हैं। नईम पर पूर्व नक्सली और टीआरएस नेता केरामोलू की हत्या का केस भी दर्ज है। नईम ने 1993 में केएस व्यास नाम के आईपीएस अधिकारी की भी हत्या की थी। एनकाउंटर के बाद घटनास्थल से पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए हैं। इलाहाबाद के एमए कॉन्वेंट स्कूल के मैनेजर मोहम्मद जियाउल हक को राष्ट्रगान के अपमान के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राष्ट्रगान पर विवाद के बाद जिला प्रशासन ने आरोपी प्रबंधक के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार करने का आदेश दिया। प्रशासन ने स्कूल को बंद करने के भी आदेश दिए हैं। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य बर्बाद न हो, इसके लिए दूसरे स्कूल में वैकल्पिक व्यवस्था भी की जा रही है। एमए कॉन्वेंट वाले राष्ट्रगान के संबंध में जो ऑनर में जो टिप्पणी की गई थी, जो अपमानजनक, उस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया, उसके प्रबंधक के खिलाफ उसकी गिरफ्तारी हुई। मेरे मंत्रालय ने भी इसको गंभीरता से संज्ञान लिया है और हम देखते हैं कि हमारे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दायरे में वह स्कूल किस परिधि में आता है। इलाहाबाद में एमए कॉन्वेंट स्कूल पिछले 12 साल से चल रहा है। नर्सरी से 8वीं तक चलने वाले इस स्कूल में आज तक कभी राष्ट्रगान नहीं गाया गया। शुरुआती जांच में पता चला कि एमए कॉन्वेंट स्कूल बिना सरकारी मान्यता के चल रहा है। राष्ट्रगान पर प्रतिबंध की वजह से स्कूल के 8 शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया है। बाकी शिक्षक भी नौकरी छोड़ने की तैयारी में हैं। स्कूल को सील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।